अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निदा अहमद खान। ब्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो भाई, आज का व्लॉग बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि हमने सोचा कुछ ऐसा चैलेंज करें जो आप लोगों को देखने में ही बड़ा मज़ा आए। तो हर दफ़ा करते हैं हम दोनों चैलेंज, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज है। आज का चैलेंज किसका किसके साथ होने वाला है, ये देखने के लिए आप लोगों को ये पूरा व्लॉग बड़ी गौर से देखना पड़ेगा। तो मेरा पार्टनर, इनका पार्टनर होगा या मेरा पार्टनर होगा, ये बताएंगे ये। तो भाई, ये रात का बहुत ही कड़ा टाइम है इस टाइम पे, और यहाँ पर बनने वाला है कुछ चैलेंजिंग सा। तो चलो चलते हैं। पार्टनर पार्टनर तो बताएं। अच्छा, पार्टनर जो है वो दरअसल मेरा पार्टनर नहीं, क्योंकि मेरा तो गला ख़राब है, तो मैं उस चीज़ को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो वो है निदा और इसकी बहन ईशल निशल खान। खान। तो भाई, तो हम दोनों का आज होने वाला है बहुत जबरदस्त सा चैलेंज। यस। मैगी चैलेंज हो गया तो और इनका। हमें कुछ भी नहीं मिला, तो हमने सोचा चलो मैगी का ही चैलेंज कर लेते हैं, जो 2 मिनट में बन हाँ, जाए। तो फटाफट सबसे पहले हम करते हैं तैयारी और चलो किचन में, और जल्दी से हम बनाते हैं मैगी। मैगी। तो चलो चलें मैं किचन में। आओ जाओ। तो गाइस, आज का चैलेंज है कनौर चटपटा फैमिली पैक, जो कि फोर है। ये देख रहे हैं, पूरी एक अदद, दो अदद, तीन अदद, चार अदद, यानी कि चार मन, चार अदद, चार मन जो है एक चटपटा मैगी है, जो कि ये दोनों खाएंगी और मैं देखूंगा और ये तरसूंगा मैं उसको। और यहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराब होने लगा है, तो चलो जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं, क्योंकि पर हो रही चैलेंज की रेडी, और चैलेंज की तैयारी हो रही है। और यहाँ पर हो रही है मेरे अपने खाने की तैयारी, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ है नहीं। और यहाँ पर हो रही है इंस्टाग्राम की लड़ाई। जाता नहीं है, लाइफ पे आके बोलने लग जाते हो, ऐसे क्या बड़ी बात होती है ना? अच्छी बात नहीं होती ना साईं, साईं ऐसे नहीं अच्छा लगता। अड़ा साईं मड़ा ए थे मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? जी, आज मेरे घर में क्या होने वाला है, आए मैं आप लोग को बताऊं। इनकी जो बीवी है, जो कि मेरी बहन है, जो कि ये है निदा, तो हम दोनों को एक चैलेंज करना था कुछ खाने का। तो हमने बहुत कुछ सोचा, बहुत दिनों से हम लोग एक साथ मिल नहीं रहे थे, ये बिजी थी बाहर, मैं कहीं और बिजी थी। तो हमने सोचा था हम कुछ खाने का चैलेंज करेंगे, कि खाएंगे फिर देखेंगे कि कौन जीता और मुझे कौन तो यूँ हारा। अच्छा लगता है। तो हमने सोचा था कि हम एक एक पूरा पिज्ज़ा खाएंगे, पिज्ज़ा चैलेंज करेंगे, लेकिन वो हो नहीं सका। तो अभी हम लोग, इनकी फ्लाइट है कल देखते जाएं आप लोग, सिर्फ देखते जाएं। कल इनकी फ्लाइट, इनके जा रही है ये, फ्लाइट नहीं ट्रेन से जा रही है ये। तो हम लोगों को जो दिखा 2 मिनट में पकाने वाला, तो हमने सोचा मैगी का ही चैलेंज कर लें। तो आज हमारा मैगी नूडल्स का चैलेंज होने जा रहा है। निदा अहमद खान व्लॉग्स पे मिलेगा। तो ये मैगी बन रहा है, तैयारी चल रही है, हो चुका है, अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। तो अभी हम मैगी खाएंगे। अच्छा, मैं अपने साथ साथ ना फॉलोवर्स को भी दिखा रही हूँ जो ऑनलाइन है। ये मेरे फॉलोवर्स ये रहे, हाय हाय हेलो। फॉलोवर्स। इसमें कुछ हेटर्स भी आ गए थे, उनको काला चिमटा दिखा के भगा दिया। तो अभी हम लोग क्या कहते हैं, ये खाने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को, जो जो इस वक्त लाइव बैठे हैं, वो लोग भी तो व्लॉग देखेंगे ना, तो मैं जरा दो चार नाम ले लूं जल्दी से। चलो मैं तुम लोग के नाम ले रही। चलो चलो। जावेद अमीरा, जावेद अमीरा, सलीहा नदीम, सलीहा नदीम, अहमद खान, सोलजा, सोलजा, अलिशबा, अलिशबा, रूबी बश, रूबी बश, लुलु पॉप। लुलु पॉप तो वही बड़ी मशहूर है, लुलु लुलु पॉप। पॉप मैंने इसको सबसे पहले बोला था, ये क्या आईडी बनाई है लुलु हाँ। पॉप, और है इसने इस्लामी, वो में ज्यादा सी आई सदफ भी आई है। सदफ, सुमेरा, सदफ बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हारे बेटे की, बड़ा ही खूबसूरत हाँ। बेटा है तुम्हारा। और ये सुमेरा, सुमेरा और सदफ खान आ गई हाँ। और मैजबी, 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 चलो बहुत हो गया, मेरा मैगी अब नरम पड़ जाएगा। हाँ, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं,
और ये अहमद का खाना देंगे। ये मेरा चैलेंज है खत्म करना। अहमद अहमद हमारे घर में तीन अहमद है, इसका राज मैं बताऊं। एक मेरे भाई का नाम है अहमद, ठीक है, एक निदा के मियां का नाम है अहमद, और जो मेरी बहन का जो बेटा है ना उसका नाम रयान है, लेकिन उनके दादाजी ने अहमद नाम रखा था, तो मेरी बहन से लिया नहीं जा रहा था तो उन्होंने रयान रख दिया, तो वो भी एक तरीके से अहमद ही है, तो तीन तीन अहमद हो गए हमारे पास। तो चल यहाँ देखते हैं, मुझे तुम्हारी इस पे नियत लगती है, एक वाला दे दो। अब तो बोल दिया हो गया। मजे का लग रहा है। चलो चलो मजे का लग रहा है। मजबूत मेरे पंडा लग गया ना, अलग भी चला गया। चलो चलो पंडा में क्या करूँ, ये जीत जाएगी अब। जल्दी बन गया। ओके मिलते हैं कुछ देर। मैगी हो गई है रेडी, अब इसमें डलेंगे मसाले जो हम डालेंगे, ये एक दो तीन चार और बस बस। हमने पानी कम करा है, अब मैगी को घोटेंगे, उसका दम घोटेंगे और मैगी हो गई रेडी। पाकिस्तान का मैगी, पाकिस्तान का मैगी, पाकिस्तान का मैगी, पाकिस्तान का मैगी, खाएंगे हम मैगी, खाएंगे हम का मैगी, पाकिस्तान का मैगी, पाकिस्तान का मैगी। हमारा हो चुका है मैगी तैयार, और ये इनको मैगी नहीं मिल रहा था इसलिए ये कुछ और खा रहे हैं, इनको मिल रहा है आलू और चावल, आलू का सालन और चावल मिक्स करके खा रहे हैं, इनको ये मिलेगा क्योंकि मैगी अगर हमने इनको दिया तो यार हमारे चैलेंज के लिए कम पड़ जाएगा ना, फिर हम कम कम खाएंगे तो कोई भी जीत सकता है। हाँ, और ये कहने लगे अच्छा सुनो मेरा भी निकाल ना मैगी, हमने कहा वो चैलेंज हो गया हमारा, फिर नहीं फिर अम्मी भी आई थी, अम्मी ने कहा मैं भी खा लूंगी मैगी, नहीं नहीं अम्मी कह रही थोड़ा जो मैगी बनाओ ना तो थोड़ा मुझे भी दे देना, हमने कहा अम्मी वो चैलेंज का है, सॉरी बेबी ना अम्मी को मिला ना है सॉरी बेबी सॉरी। तो चलो चलते हैं जल्दी से, मैं इसको बाउल में निकाल लूं। ये देखो तो अभी हम कौन सा गाना गा रहे थे अभी, हम बस रूबी बस कह रही है अब मैं शेर बनाऊंगी, पाकिस्तान का मैगी, पाकिस्तान का मैगी, रूबी बस कह रही है मुझे भी दो मैगी, दो मुझे भी दो, ठेंगा ठेंगा ठेंगा। जब हमने अपनी माँ को नहीं दिया, इसने अपने मियाँ को नहीं दिया, तो तुम्हें कहाँ से मिलेगा। हाँ, तो आप लोग को मिलेगा ठेंगा ठेंगा। तो चलो चलो शुरू करें भाई, देर हो रही है, तो चले चले जल्दी से। नहीं नहीं आप लोग हमें जरूर देगा ठेंगा, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और ठेंगे पे क्लिक करिएगा। हाँ, हमें ये वाला ठेंगा चाहिए, ये वाला नहीं, हमें यूट्यूब पे इस ठेंगे पे क्लिक करिएगा। हाँ, इस पे क्लिक हाँ, कर दिएगा हमें ये नहीं, ओ, ये चाहिए, ये चाहिए, ये वाला ठेंगा हमें जरूर हाँ, देगा ये नहीं। तो चले हम लाइव पे भी हमारी बातें गपशप हो गई और इधर भी हो गई, तो चलो चलते हैं फटाफट चैलेंज की तरफ, क्योंकि अल्लमिया हम गिर गए थे। तो चलो चलते हैं जल्दी से हम चैलेंज की तरफ जाते हैं, कैसा लगता है चैलेंज जरूर बताएगा। मिलते हैं चैलेंज के टाइम। तो भाई ये आ चुकी हैं हमारी दो प्लेट्स और हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैलेंज। तो हम बिल्कुल रेडी हैं अपने चैलेंज के साथ, और ये चैलेंज है निदा के साथ। कोई बात नहीं, कभी कभार ना ऐसा होता है जब हम कैमरामैन भी खुद हो तो कैमरा कभी इधर कभी उधर, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा हुआ हुआ है कैमरा, तो उसकी सेटिंग करके अभी आते हैं। और देखिएगा हमारे साथ रही है का पूरा व्लॉग देखिएगा, और भाई देख लें किसी का कम ज्यादा तो नहीं है। तो गाइस अंडा बंडा जंडा बंडा फटक नक 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 मुड़ा। तो चले हमारा चैलेंज हो चुका है बिल्कुल रेडी, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्म है तो थोड़ा सा बस हम ठंडा कर रहे हैं ताकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो चले हमारा हो चुका है चैलेंज बिल्कुल रेडी, तो अब ये काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। 1 2 चैलेंज हो रहा है स्टार्ट, 3 स्टार्ट। भाई स्टार्ट हो गया। सबसे पहले इन्होंने मुझे नहीं दिया तो इन दोनों के खाने के बाद दर्द होगा। चैलेंज जीतना मुझे। तो भाई ये ओ इशल खान हार रही है और निदक भी हार रही है, मैं जीतूंगा। मैं इस तरह नहीं होगी, मेरी तबीयत खराब होगी बाद में। जो भी जल्दी जल्दी निदा इशल जीत रही है। निदा
जीत गई, वो जीत गई, चैलेंज ऐसा नहीं होता, वो जीत गई, वो जीत गई, चैलेंज चैलेंज की तरह होता है, वो तो जीत गई, इधर जल्दी, जो जीत गया ना उसको मैं कुछ भी नहीं दूंगा, जल्दी आओ, जल्दी जीतो, जल्दी जीतो। इसने मुझे सुबह से भूखा रखा था और मैं हूँ डॉगी वाली भूखी, जल्दी मेरा आधा पेट भरा है, और मैं सुबह से भूखी थी, मैं जल्दी जल्दी जल्दी। ओ ये देख, ये कैसे खा रही है, कैसे खा रही है, नागिन बन गई पूरी, ये तो ईशल खान नागिन बन गई है, मैं स्लो मोशन भी खा सकती हूँ। तो जिस तरह आपको देख रहे हो साइज के हिसाब से, नीता सूखी है वो खाई कम भी है, और ये जो ईशल खान है ये तो अपने साइज के हिसाब से जल्दी जल्दी बड़े बड़े खा रही, जैसे गाय खाती है। मैं ऐसे भी खा सकती हूँ स्लो मोशन में। भाई नीता जल्दी जल्दी करो, चीटिंग की है, चीटिंग मुझे बताया नहीं, तूने कछुए की चाल चले, जल्दी से खरगोश अपने आप को तेज समझ रहे, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी, इतने कैसे अपने गले से उतारा इतना मोटा मोटा, कि तुम एक चमचे में से चुना चुना क्यों ले रही हो, बोलने के चैलेंज कर रही है, मैगी का मजा ले रही है, मैगी का मजा। सुने आप शेयरिंग कर सकती है मेरे साथ यहाँ पर, तो गाइस आपने देखा, नहीं नहीं लगा हुआ है, लगा हुआ है, चीटिंग हुई है यहाँ पर, खुलेआम चीटिंग हुई है यहाँ पर, किचन ने अपना सारा खाना मुझे दिया है, खुलेआम चीटिंग हुई है, मेरी बेगम को हराया, तो इसका मतलब ये है कि निदा जीती है, ईशल खान हारी है, क्योंकि इसने मुझे अपना सारा खाना दे दिया है, खाने से पहले भी इसने दो प्लेट दो चम्मच मुझे दी थी, ईशल दी थी कि नहीं दी थी बताओ, अल्लाह का पक्का वादा। हाँ सच बताओ, सच बताओ, झूठ नहीं, दी थी या नहीं दी थी, दी थी या नहीं, मैं अपने तरीके से बताऊंगी, दी थी या नहीं दी, बात इतनी है, इसने दो चमचे अपनी बीवी में से खा के कम कर दिए, मैंने कहा मेरे में से भी खाओ, फिर मैंने दो चमचे छोड़ दिए, बीच में भी अभी ने दिया, मैं खुद गौर से सुना, फजर के टाइम ना झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं, सच, दुनिया पागल थोड़ी, सब लाइफ देखा है बैठ के, भाई इस टाइम पे सीधा साफ और बिल्कुल क्लियर चीज दिखा रहा हूँ मैं आपको, दो मैगी और देखते रहिए यहाँ पर, ये देखिए ये मजे लेकर खा रही हैं, ताकि इनकी मैगी मजेदार लगे, और ये ऐसे खाया इन्होंने जैसे सदियों से नहीं खाया हुआ, तो अगर दो मैगी और होते ना बाद ऐसे खा रही हैं जैसे वो भी मैं मजे से खा लेती, तो खैर इन्होंने मुझे अब पछतावा हो रहा है, मैंने इनको दो चमचे भी क्यों दिए, वो भी मैं खा सकती जी हाँ। तो देखा आपने कि किस तरह इन दोनों ने अपने चैलेंज को सर अंजाम दिया, अपने साइज अपने साइज के हिसाब से इन्होंने पूरा किया, तो सलमान खान बनो बिग बॉस का हाथ उठाओ, तो अनाउंसमेंट जो करने वाला हूँ मैं इस टाइम पे वो आप लोगों के स्क्रीन पे आएगा सामने, तो बात ये है जो जीता है वो सिकंदर है और जो हारा वो भी सिकंदर है, इसकी बीवी आ रही ना इसलिए इसने बंदर नहीं बोला, ये अवार्ड है, छुपा लो, हाँ, एक अवार्ड भी है हमारे पास और इसका रिवॉर्ड भी है हमारे पास, तो भाई जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो भी सिकंदर, तो मैं जीता नहीं था, जो जीता वो कौन जीते कौन जीते कौन जीते कौन, तो भाई मैं बताता हूँ कौन जीतेगा कौन जीतेगा कौन जीतेगा, और ये जीती है ईशल खान निदा अहमद खान व्लॉग्स, और ये अवार्ड जाता है अपनी बीवी को क्यों जिताया, तो भाई ये अवार्ड जाता है, जीती तो निदा भी है तो, लेकिन अवार्ड जाता है ईशल खान को, भाई ये जैसे आपको पता है इन दोनों की आपस की खानदानी लड़ाई शुरू हो गई है इनकी यहाँ पर, तो हम चलते हैं यहाँ से, तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दो में याद रखिए, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, मैं तो जा रहा हूँ, अब मैं कुछ कहना चाहती हूँ आप लोगों को, इसका क्रेडिट मैं अपने देती हूँ अम्मी को, पापा को, और अपने दोस्तों को, और अपने हस्बैंड को जिन्होंने मुझे अंदर है क्या इतना खिलाया पिलाया और सांड कर दिया, आज मैं जीती हूँ यासिर की वजह से, जिसने मुझे खिला खिला के और कर दिया। और इन्होंने खाया भी इसी तरीके से यासिर ये तुम्हारे लिए नहीं नहीं ये अवार्ड जाता है खोल के ये संदूक अवार्ड जा रहा है यासिर भाई आपके पास जरूर पहुंचेगा लेकिन खाली हाथ पहुंचेगा खाली हुआ पहुंचेगा
दिल है, हमारे दिल है चॉकलेट। तो आज मैं बहुत खुश हूँ ये जीत कर। थैंक्स थैंक्स। काश और होता मैगी और दिल जाने खाने का। इतने दो क्यों मंगवाए थे तुझे? तो ये दो नहीं खाए थे। कमेंट करके बताइएगा कि कौन जीता। कमेंट करके बताएं आपको किसका ज्यादा मजा है देखने में, मुझे या निदा को खाते हुए। खाने का तो और दिल कर रहा है, मैं ये नहीं, अब क्या खाऊं मैं? कुछ और है? बिस्किट है, चाय, चाय बिस्किट भी है हमारे पास। नहीं मेरे तो भैया गले से नहीं उतर रहा था। देखो इसने अभी खाया था रात में, वो भी पाए रोटी। ठीक है, नहीं रात में नहीं था वो, 9-10 बजे। नहीं ना, क्या हो गया, होदा के घर थे हम 9-10 बजे। हमने खाया था शाम को, वो शाम थी, चलो 8 बजे, उससे भी पहले। इससे पहले तो नहीं, सोनी देर से गई है, सोमी गई है ना, 7-8 बजे। और मैंने भी सुने भजी पराठा खाया था, तल के रोटी। जी हाँ, उस इस बात से अंदाजा लगा ले, मैं मुझे भूख नहीं लगती, बहुत कम भूख लगती है। मुझे भी कहाँ लगती है, लेकिन अभी लग रही थी तो मैं क्या करूँ, लग तो मुझे भी रही थी। लेकिन मैं हार गई, कोई बात नहीं, हार जीत तो देखिए चलती रहती, तो जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन ये अवार्ड काश मुझे मिल जाता चॉकलेट, क्योंकि इसमें थी चॉकलेट। कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये चैलेंज? हम लोग रोज एक ना एक चैलेंज रात में बैठ के कर सकते थे, किसी ने हमने जो ना बहुत ही दिन जाया किए। हम लोग सिर्फ लाइव आने के चक्कर में बैठे रहते थे कि लाइव आएंगे, वो भी नहीं आते थे, बच्चे रो रहे हैं और सो जाते थे। लेकिन चले कोई बात नहीं, एक ही हुआ, धमाकेदार हुआ। जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा ये चैलेंज और पूरी कम्प्लीट व्लॉग, क्योंकि हमने व्लॉग में बड़ी मस्ती आ गई। अच्छा, मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।